के मरले रहुए हई के हमारा गांव है जहां पे इसी घर में महिला का सौ बरामद हुआ है। एक बजे रात के काहे मरले रहलन तस्वीरें देख सकते हैं। यही घर है, इसी अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ है। अभी बिहार हुई अन्य राज्य में लगातार महिलाओं की हत्या होती है और हत्या के पीछे क्या कुछ राज होता है उसका खुलासा नहीं हो पाता है। इस वक्त हम पहुंचे हुए सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के हावा गांव मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं यही घर है, इसी अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ है। अभी पुलिस यहाँ से शव को पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पूरी मामला क्या अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाई है। पूरी जो घटना है, हावा के मुकेश महतो नाम के व्यक्ति है, उनकी पत्नी है कलावती देवी, उन्हीं का शव इसमें बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि रात में पति से कुछ बात हुआ है, उसके विवाद को लेकर या कुछ कहा सुनी को लेकर उनकी हत्या हुई है या वो खुद अपने से आत्मदाह की है, इसकी खुलासा अभी तक नहीं हो पाई। फिलहाल देख सकते हैं आसपास के इलाके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, जो पूरी तस्वीरें ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो महाराजगंज थाना क्षेत्र के हावा से दिखा रहे हैं। इसी घर के अंदर शव बरामद हुआ है। कलावती देवी जो थी उन्हें उम्र 30 वर्ष बताया जा रहा है। उनकी दो लड़की है, यानी छोटी छोटी दो बच्ची है, उनका पालन पोषण कौन करेगा, थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए। शायद अगर अपने से अगर मौत की घाट उतरी है तो उनको भी सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका आखिर देखभाल कौन करेगा। फिलहाल हम गए हैं उनके पिताजी हैं जो मुकेश कुमार के पिताजी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो लड़की है छोटी बच्ची, उनकी भी कहानी आपके चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगे। और जो पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं, तमाम बातचीत अपने चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगे। लगातार देखा जाता है कि दहेज को लेकर या कुछ कहा सुनी हो जाता है, आपसी विवाद को लेकर महिला की हत्या कर दी जाती है। और बिहार में महिला सशक्तिकरण कानून को लेकर एक नियम चलाया जा रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं को लगातार देखा जाता है, प्रत्येक महीने देखा जाता है कि कहीं दहेज के लिए तो कहीं खाना न बनाने को लेकर लगातार महिलाओं को पीटा जाता है और लगातार हत्या हो जाती है। तो उसी क्रम में फिर हम सीवान जिले के ही महाराजगंज थाना क्षेत्र के हावा गांव है, जहां पर इसी घर में महिला का शव बरामद हुआ है। उनके दो शायद बहन है या उनके दियादिन है, उसको पुलिस हिरासत में मिली है। हालांकि देखना यह होगा कि लोग FIR क्या कुछ करते हैं और जो पोस्टमार्टम होता है उसमें रिपोर्ट क्या कुछ आते हैं। के मरले रहुए हई अच्छा कथी से मरले रहलन ईटा से कब मरले रहलन एक बजे रात के काहे मरले रहलन एहिंग मर देलन जितने समझदारी बात ना बता। तार पापा जी का बरन बाहर बरन इके हवे तहार बाबा तार बाबा तार मम्मी के मार देल बरन। हाँ। सर महाराजगंज थाना क्षेत्र के हवाएं पहुंचे हुए सर, क्या कुछ मामला सामने आया है? हम लोग फोन पटना से आता है जी, जो पटना से मैसेज हम लोग का यहाँ पहुँचे तो देखे घटना का तो ऐसे बात है। क्या मामला है सर? यही देखे हम लोग जस्ट मामला है, देख रहे हैं जांच के बाद में पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार देखा जाएगा। मतलब महिला का मौत हुआ है? हाँ। और कुछ मैंने वहाँ कुछ मिला घटनास्थल से? कुछ नहीं मिला। कागजी कार्रवाई हो रही है? हाँ हो रही है। गर्दन पर सर कोई निशान वगैरह है उसके? निशान पर्चे बताइए सर अपने एक बार। मैं नाम पिंटू सिंह है।